प्रयागराज के समीप कौशाम्बी जिले के जलालपुर भर्ती नामक गांव में सनीपाल के घर उनकी गाय ने दो मुहे बछड़े को जन्म दिया है, जिसके पास दो मुंह है और दोनों मुंह से दूध पीता है बछड़ा। और आपको बता दे, अगल बगल में एक एक आंखें हैं, बीच में दो आंखें, मतलब चार आंख है। पर चढ़ावा चढ़ाएंगी इनके लालन पालन के लिए जो भी चीजें हैं मदद के। दादी क्या नाम है आपका? शुभ नाम राजपति। राजपति, क्या इनको क्या मानती हैं दादी आप? देवता। देवता। ये देख सकते हैं महिलाओं को पैसा चढ़ा रही हैं और एक तरह से इनके घर वालों के लिए नहीं बल्कि इनके लालन पालन के लिए पैसा दिया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और इस वक्त मैं कौशाम्बी जिले के नवादा ब्लॉक के जलालपुर गांव में मौजूद हूं और आपको यहां पर एक हैरतअंगेज जो है मामला है, एक हैरतअंगेज जो है कहानी, जिस तरह से पहले हम लोग सुना करते थे कि ऐसा हुआ करता था वैसा हुआ करता था, जिस तरह से आज भी हिंदू धर्म में कुछ लोग नंदी को मानते हैं, जिस तरह से कि नंदी को जैसे दो मुंह हो जाते हैं तो वो नंदी होते हैं, या फिर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। आज मैं जहां पर हूं, इस गांव का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जलालपुर है, और यहां पर एक गाय ने एक ऐसे बछड़े को जन्म दिया है जिस बछड़े को दो मुंह है और चार आँखें हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर देखिए, और यही वो गौ माता हैं जिन्होंने इस बछड़े को, दो मुहे बछड़े को जन्म दिया है। आप देख सकते हैं गौ माता का भी दर्शन कर सकते हैं और ये बछड़े का भी दर्शन कर लीजिए। दो मुंह है, एक मुंह इधर से है, एक मुंह इधर से है। बछड़ा थोड़ा परेशान हो रहा है क्योंकि हम लोग आए हैं और थोड़ा आवाज़ कर रहे हैं, इस वजह से शायद परेशानी हो रही होगी, देख सकते हैं। आइए यहाँ पूछते हैं लोगों से, पहले आप दर्शन करिए अच्छे से, दिखाइए थोड़ा और अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए, देखिए देखिए दो मुंह है, एक इधर लेफ्ट एक राइट, और आँख भी चार आँखें हैं और उस पर पैर मत रखना जो है, देख सकते हैं चार आँखें भी हैं, एक इधर आँख और दो आँखें बीच में हैं, जुटी हुई आँखें हैं दोनों, देख सकते हैं। ये कुदरत का करिश्मा है, ये भगवान का माया है। भगवान कब किसको किस हाल में जन्म दे दे, भगवान कब किस हाल में किसको इस पृथ्वी पर ला दे, ये कहा नहीं जा सकता। आइए इनसे बात करते हैं जिनका तस्वीर वायरल हुआ है। और क्या नाम है आपका? हमारा सनीपाल नाम है, जलालपुर भर्ती रहने वाले। अच्छा सनीपाल, कितने घंटे पहले इस गौ माता ने इस बछड़े को जन्म दिया? 25 तारीख को 8 बजे सुबह जन्म दिए है। 25 तारीख को? 25 तारीख को। अच्छा अच्छा, अभी तक आंवर वगैरह गिर गया? सब कुछ साफ है ना? सब कुछ साफ हो गया। तो ये जिस तरह से दिख रहा है, दोनों मुंह से ये दूध पीता है? दोनों मुंह से दूध पीता है, दोनों मुंह से, दोनों मुंह। इधर दिखाना प्रदीप, स्क्रीन पर अपने इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बछड़ा देखिए दोनों मुंह से दूध किस तरह से पी रहा है। हालांकि दूध पिलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ पी रहा है बछड़ा, अभी फिलहाल दूध पी रहा है। और आप देख रहे हैं कि अपने पैरों पर बछड़ा खड़ा भी है। बछड़ा है? बछड़ा है, बछड़ा है। अच्छा, इसको क्या समझते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर नंदी अगर किसी के घर में जन्म लेते हैं तो उसका वो काफ़ी भाग्यशाली होता है, तो इस पर क्या सोच रहे हैं आप? इसको हम नंदी भगवान समझते हैं, हमारे गांव वाले भी समझते हैं नंदी भगवान है। पूरे गांव के लोग आए, बहुत दूर दूर से देखने आए इसको, सब कुछ देखने अभी भी आ रहे हैं देखने। ये देख सकते हैं दर्शकों, ये गांव के तमाम लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, और देख सकते हैं महिलाएं भी हैं। ये देखने इसलिए आए हैं क्योंकि ये पहली बार है, गांव में पहला बार ये मामला है।
पहली बार है। इसी वजह से कहीं ना कहीं चमत्कार देखने के लिए लोग आए हैं। यहाँ पर बुजुर्गों से थोड़ा बात करेंगे, जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे बात करेंगे, तब पता चलेगा कि हकीकत होता क्या है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम राम जी पाल। अच्छा, इसको किस तरह से लेते हैं आपके घर में, जिस तरह से आज नंदी महाराज का जन्म हुआ है, साक्षात देवता होते हैं, देवता माने जाते हैं, किस तरह से लेते हैं इसको? अरे ऐसे मानते हैं जैसे सब लोग मानते हैं भगवान के रूप, ऐसे मानते हैं। और क्या, जिस वक्त जन्म हुआ तो उस वक्त रिएक्शन कैसा आवभाव था आपका? हाँ रे, खूब साफ सफाई का काज, मेरे जनता का मेला लग गया। अच्छा, जनता का मेला बहुत ज्यादा लग रहा, इतना मेला की दिन टूट नहीं रहा, ये क्या कहते जनता कम नहीं हो रहे हैं। सारा दिन लोग आए। हाँ, सारा दिन पैसा तो मार चाठी भर गई रही, फिर पैसा बांट देते हैं। अच्छा, जब से जन्म लिया है, कहीं ना कहीं नंदी ने जन्म लिया है, लोग ऐसे लोग भी आ रहे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि कहते हैं अगर आप पाल ना सको तो हमको दे दो, ऐसा भी? हाँ हाँ, बहुत लोग कहते हैं, गाय की 1.5 लाख रुपया लगाई थी। अच्छा, 1.5 लाख रुपए, ये सोचिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी तक इस गाय की लोग नहीं आते थे दाम लगाने के लिए, लेकिन जैसे ही इस गाय ने साक्षात देवता को जन्म दे दिया, नंदी को जन्म दे दिया, वैसे ही तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम जो तथाकथित लोग हैं, वो आ करके इस बछड़े की माँ का दाम लगाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हम आपको बता दें दर्शकों, इस बछड़े का कोई कीमत नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं कि इसका कोई कीमत नहीं है? इसका कीमत का है भैया, तो भगवान रूप में है। अच्छा, जब वो लोग बोले हैं ये बात, तो उनको जवाब क्या दिए आप? अब वो समय हम रहा नहीं बहन। अच्छा अच्छा, हाँ। कौन था, आप थे? क्या बोले जब वो लोग ऐसा बोले? हमने बेचने को मना कर दिया। अच्छा, कौन थे? कोई पंडित वंडित आए थे क्या? नहीं, फोन पे ऑफर आया था, कई देखो फोन किए थे। तमाम तरह के पंडित भी होते हैं ना, कि ये चीज है वो चीज है, तमाम तरह की बातें बोलने लगते होंगे ना। हाँ, पूजा पाठ वाले आते हैं, पूजा पाठ वाले ना, मगर बेचेंगे नहीं। हाँ, बोल रहे थे कि बेच दो इतने इतना पैसा लेकर के। सोचने वाली बात है यार, शर्म नहीं आती उनको कि इनके घर में कहीं ना कहीं साक्षात देवता का जन्म हुआ है। और सही बात, हाँ, है, सही बात है। ये जान लीजिए दर्शकों, यहाँ पर जब से 25 तारीख को कितने बजे का बात था जब इनका जन्म? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। अच्छा अच्छा, गाय मारती उड़ती नहीं? पहले मारती थी। हाँ। जब लाए थे तो मारती, जब से बच्चा दिए मारना। अच्छा, जब से बच्चा दी मारना भी बंद कर दिया। देखिए, ये गाय पहले मारती थी लोगों को, नाच भी लगा था इसमें गाय का। हाँ, लेकिन अब देखिए गाय, अच्छा नाच भी लगाया गया था, देखिए कटा भी है, लेकिन अब ये गाय किसी को मार नहीं रही है। सोचिए, ये वो गाय है जिसने साक्षात देवता को जन्म दे दिया है, नंदी महाराज को जन्म दिया है। आइए थोड़ा हम भी इनको टच करते हैं। देखिए दर्शकों, यही है, और हम इनको छूने से अपने अंदर एक अलग अनुभूति महसूस कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात नंदी देवता के समान होते हैं हमारे हिंदू धर्म में। और देखिए, एक मुंह इधर तो एक मुंह इधर, और दो आंखें बीच में, जिस तरह से शिव की आंखें होती हैं, और एक आंख इधर और एक आंख इधर। हालांकि पैर चार ही हैं और कान दो ही हैं, लेकिन यहां पर बीच में दो आंखें और एक आंख इधर, एक आंख इधर, और दो मुंह। साक्षात आप नंदी महाराज का यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ये पैसा जो भी चीज़ें पड़ा हुआ है, लोग आते हैं दर्शन करते हैं, तो इनके जो है रख रखाव के लिए, इनके लालन पालन के लिए मदद करके इनको लोग जा रहे हैं। यहाँ पर और लोग हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह से इसको लेते हैं, क्या इनकी मान्यता है, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा नाम नारायण प्रताप सिंह है, उर्फ अन्नू सिंह। हाँ, हम इसी गांव के हैं। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से आपका गांव, कहीं ना कहीं आज आपके गांव में नंदी महाराज का जन्म हुआ है? हाँ, यही कहेंगे, हमारे गांव क्या पूरा देश के लिए अच्छा संदेश जा रहा है। जो गौ कसी होती तो उसको रोक लगेगी अब, क्योंकि गौ माता ने चमत्कार दिखा दिया। अभी तक हम लोग उपन्यासों में या किताबों में टीवी में देखते थे शंकर जी की सवारी, नंदी बाबा थे, लेकिन कभी कभी हम लोग चार नेत्र के अभी ऐसा कभी नहीं देखे न सुने थे, और जो आप देख पा रहे हैं कि चारों नेत्र इनकी देख रही हैं।
अच्छा अभी तक कोई नहीं आता था इनके घर में दाम लगाने के लिए, जब से गौ माता जन्म दी नंदी को तब से आने लगे। इसको आप किस तरह से लेते हैं और जो आ रहे हैं दाम लगाने के लिए उनको क्या कहेंगे आप, क्या संदेश है उनको, क्या सुझाव देंगे उनको? उनको संदेश क्या, हमारे घर में साक्षात देवता जन्म लिए हैं, उनको संदेश यही कि आप दाम क्या उनके बराबर रुपया गौ माता तौल देंगे तब भी हम नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे गाँव के लिए शुभ अच्छा है ना। आज सनी गरीब घर में जन्म बच्चे को हुआ, इसके वजह से इसका नाम हो रहा है, पूरे गांव का नाम हो रहा है, आप लोग के चैनल द्वारा हमारा गांव का नाम भी उठ रहा है। जिस दिन ये चले जाएंगे कौन जानेगा, आप हमारे दरवाजे बुला। जलालपुर का नाम मैं पहले नहीं सुना था, जैसे ही ये मामला आया तब मुझे पता चला कि जलालपुर उस यमुना उस पार में पड़ता है, तब हम जलालपुर जाने और आए हैं। भैया अगर नंदी बाबा जन्म न लेते तो अगर हम लोग एक फेसबुक में यूट्यूब में अपनी फोटो भी डालें तो कोई दो आदमी लाइक करने वाला नहीं था। सही बात, सही कह रहे हैं। आज आप बिना बुलाए आ जा रहे हैं तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य काम मीडिया पहुँच ही नहीं पाएगा, ऐसा गाँव है न। वही तो बता रहे, मीडिया तो नेता के पीछे दौड़ती है लेकिन आज नंदी बाबा पीछे दौड़ रही है। नंदी बाबा पीछे हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे पीछे दौड़े कल। हाँ सही, क्योंकि इसका ज्यादा रख रखाव करते हैं। हाँ, वो मान्यता है, वो मानते हैं। महिलाएं हैं यहाँ पर, महिलाओं से पूछेंगे, महिलाएं दर्शन करने के लिए, देखिए दादी दर्शन करने के लिए आई है, दादी अब यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाएंगी इनके लालन पालन के लिए जो भी चीजें हैं मदद के। दादी क्या नाम है आपका, शुभ नाम? राजपति। राजपति, क्या इनको क्या मानते हैं दादी आप? देवता। देवता, ये देख सकते हैं महिलाओं को पैसा चढ़ा रही हैं और एक तरह से इनके घर वालों के लिए नहीं बल्कि इनके लालन पालन के लिए पैसा दिया जा रहा है महिलाओं के द्वारा, ताकि इनका और अच्छे से रख रखाव करें, अच्छे से सेवा करें। आइए और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? गुजराती। कहाँ से आई हैं? करेहदा से। अच्छा इतना दूर से आई हैं? हाँ। करेहदा से। हाँ। ये सोच लीजिए करेहदा से यहाँ पर आई हैं, यहाँ से काफी दूर है। आपका क्या नाम है? बिटोल। कहाँ से आई हैं आप? साजिकपुर वनैनी। ये देख लीजिए कितना दूर दूर से लोग नंदी जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, नैनी साजिकपुरवा से। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बिटोला है। कहाँ से आई हैं? हमारे घर यही जलालपुर। आपका घर यही है ना? आप बहुत खुश नसीब हैं आप बहुत खुश नसीब हैं, देख सकते हैं बहुत खुश नसीब हैं वो जिनका घर यहीं पर है, जो इसी गांव से हैं। क्या नाम है आपका? सीता। आप भी इसी गांव से हैं? नहीं, नैनी से हम लोग। नैनी से आई हैं। अच्छा नैनी से क्या सुन करके यहाँ पर आप आई हैं? देवता सुन के भैया दर्शन कर। देवता का जन्म हुआ है साक्षात नंदी जी का जन्म हुआ है ना। क्या नाम है आपका? बिटोला नाम है। आप भी यही सुन करके आई हैं कि देवता का जन्म हुआ है ना? ये जान लीजिए काफी मान्यताएं हैं और महिलाएं ये जान लीजिए कि अगर उनको पता चल गया कि किसी नंदी का या फिर किसी देवता का कहीं कुछ है तो वो तुरंत दर्शन करने के लिए आ जाती हैं। फिलहाल यहाँ पर इनको जो दिखा होगा, आप दर्शन करके आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जब वहाँ सुनी थी तो आपको विश्वास हो रहा था? नहीं, सही सही बताना। मोबाइल में देखा हो रहा था, विश्वास हुआ था। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं फोन पे आया होगा, पता नहीं सही है कि झूठ है। सही, हम लोग देखा है तिभा की सही है। अच्छा अच्छा सही। अब विश्वास एकदम से हो गया ना? अब जाएंगे तो और लोगों को बताएंगे। काहे नहीं भाई, जहाँ जाएंगे देखेंगे, बताओगे ये गवा रहे देखा है। हाँ, एक एक बार कर। ये जान लीजिए दर्शकों, आज इस समय यहाँ पर माहौल ऐसा बन गया है कि मानो ये एक धाम बन गया है। धाम जैसे आप सुनते हैं तमाम तरह के धाम होते हैं, चाहे बड़े बड़े जो जितने भी, वहाँ लोग जाया करते हैं दर्शन करने के लिए। आज उसी तरह से ये भी एक तरह से नंदी धाम बन गया है। नंदी धाम बना दिए हैं और यहाँ पर नंदी जी का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए शायद गांव के लड़के हैं ये, इनको दिखा दीजिए, कैमरे पर दिखाइए इन लोगों को भी। इस वक्त भीड़ ये भी लगाए हैं, देख रहे हैं कि हमारे गांव में अब इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शोरगुल मच रहा है और कभी इस गांव में लोग आया नहीं करते थे लेकिन इस गांव में अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अब कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे भगवान करे नंदी बाबा काफ़ी मतलब काफ़ी वर्षों तक लोगों को दर्शन दे। अब ये आपका घर ही एक तरह से धाम बन गया है तो क्या लेते हैं इसको, किस तरह से लेते हैं आप? भगवान के रूप में लेते हैं इनको।
यहाँ पर और भीड़ भी लगने लगेगी, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? ये नंदी बाबा के ऊपर है, जैसे मैनेज करेंगे वैसे हम करेंगे। हाँ हाँ, जैसे मान लो बहुत भीड़ लग गई तो उसका सिस्टम भी बनाना पड़ता है ना, तो उसके लिए क्या किस तरह के इंतजाम आपके लोग हैं, मदद करने वाले सहयोगी? बहुत सहयोगी सब बैठे हैं हमारे घर। अच्छा, ये सब सहयोगी ही हैं? सहयोगी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए इनसे पूछते हैं, गांव का थोड़ा इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका क्या किस तरह। अच्छा, तो आइए, अब ये धीरे धीरे इनका ये स्थान ही धाम जैसा बन जाएगा। तो अब क्या आप लोगों का आगे प्लान है, किस तरह से इसको देखेंगे, किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं करेंगे लोगों के लिए? नहीं, अभी तो हम अपने सिस्टम से सही चल रहे हैं, जिस हिसाब से पब्लिक आ रही, देख रखाव कर रहे हैं। अगर ज़्यादा आप लोग फोकस कर देंगे, अगर काफ़ी पब्लिक है, फिर प्रशासन से व्यवस्था मांगेंगे। प्रशासन से व्यवस्था? हाँ, उनसे भी व्यवस्था मांगना पड़ेगा ना। अभी थोड़ी देर पहले आपके एक चैनल वाले आए थे, उसमें एक फकीर आए थे मुस्लिम धर्म के, वो भी ऐसा चमत्कार देख करके अच्छी बात बोले, कहा ऊपर वाले अल्लाह दाता का ऐसी ऐसी कृपा, हम मान गए कि कोई ऐसी शक्ति है जो गौ कसी हो रही हो, गलत हो रही, हमारे मजहब के लोग करते हैं। चैनल के माध्यम से बोल के गए, अभी फकीर गाँव में होंगे। अच्छा, अच्छा। हाँ, उन्होंने इसका अच्छा संदेश वो भी दिए, कहा मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था, लेकिन आज देख लिया, आंखों से देख लिया। तो हम लोग मीडिया वाले भी बोले कि कोई आप दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं? कहा नहीं, हम कोई दबाव नहीं बोल रहे हैं, हम फकीर हैं, हम दिल से दुआ दे रहे हैं कि आज मान गए कि कोई ऐसी शक्ति है। ये जान लीजिए, अब लोग चमत्कार पर हकीकत में विश्वास करने लगे हैं, और कहीं ना कहीं इनके अगले जन्म में इन्होंने कोई अच्छा काम, क्या लगता है अगले जन्म में कोई अच्छा काम किए थे इस बार जो नंदी का जन्म हुआ आपके घर में, इसको मानते हैं अगले जन्म में कुछ अच्छा काम किए थे? अरे अब तो घर वाले करे होंगे, हमारा घर तो आए नहीं। अच्छा अच्छा, आ रहे। क्या नाम है आपका, शुभ नाम? हमारा राम नरेश पाल। अच्छा, अगले जन्म को कौन सा अच्छा काम किए थे आप लोग जो इस बार आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं? कौन अच्छा कर, सब ही अच्छा आ जाओ, करीब काल हो करत रहे। अब का जाने तो अगले जन्म में का करे है। अच्छा, पुजारी शंकर भगवान के थे, आ जाओ है, कहीं ना कहीं वही वजह है कि आज कहीं ना कहीं शंकर जी आपको साक्षात दर्शन दे रहे हैं। दर्शन तो देंगे न, ये जान लीजिए यही वजह है कि साक्षात दर्शन दे रहे हैं। दूध पिलाइएगा, थोड़ा देखे पीता है कि नहीं। चुसनी में, चुसनी से जो है तो खत्म होगा, फिर दूहने पड़ेगा गाय। अच्छा, दूह कर दूहते हैं ना? है तो थोड़ा पिला कर कोशिश करिए जो है। लाइए ये जान लीजिए, देखते दिखाते हैं आपको, लाइव दिखाते हैं। लाइए चुसनी से लाइए, और यहाँ पर और लोग हैं थोड़ा। हाँ बताइए, यहाँ जो है इस स्थान का खास तक शंकर जी का मंदिर है बगल में। शंकर जी का मंदिर है बगल में, फटाहू वीर बाबा के नाम पे शंकर जी। अच्छा अच्छा। तो इस गांव इलाके में जब पानी नहीं बरसता, सूखा पड़ जाता है, तो उसी स्थान पे चंदा वगैरह करके कीर्तन भजन कराया जाता है। हाँ। तो पानी बरसता है। अच्छा अच्छा, पानी बरसने लगता है। हाँ, ये मंदिर है बगल में। अच्छा, उसको भी अभी देख लेना। आइए, जिस मंदिर के बारे में बता रहे हैं कि जब वहाँ पर कीर्तन और भजन होने लगता है तो पानी बरसने लगता है, यही वो मंदिर है। यहाँ पर लोग हैं काफी ज्यादा, जहाँ गाय पैदा उसी वो है मंदिर। आइए दिखाते हैं, देखिए यही वो मंदिर है। बता रहे हैं कि कीर्तन भजन चंदा लगाकर करते हैं तो पानी बरसता है। यहाँ पे पहले बहुत बड़ा पुराना पीपल का पेड़ था। अच्छा, अच्छा। हाँ, अब कैसे गिर गया था क्या? माने उनकी उम्र हो गई ना भाई, हर चीज की उम्र होती है, काफी पुराने थे, तो वही पीपल के स्थान पे बना दिए हैं। बाकी यहाँ कीर्तन भजन होता था जब हमारे यहाँ सूखा पड़ता था। जैसे कभी आप सुने होंगे सूखा पड़ता, बच्चे लौटाते थे दरवाजे ले जाके, हम लोग यही 24 घंटा के कीर्तन भजन करते, बारिश होने लगती थी। अच्छा। हाँ, तो शंकर जी के यहाँ मान्यता ज्यादा देते थे, हो सकता है वही सब पुण्य आत्माएं हैं जो ऐसा जन्म हुआ घर में, वही सब लगता है कहीं ना कहीं। ऊपर वाले ने कुछ अपना संदेश दे रहे हैं कि हमको और मान्यता बढ़ाओ, हमारी और बढ़ाओ। हाँ, अब गांव का और विश्वास बढ़ेगा यहीं से आने वाले टाइम में। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धाम है ये गांव। हाँ, ही धाम। बहुत अच्छा संकेत मालूम पड़ रहा है, आप ही लोग के माध्यम से आगे और बढ़ोतरी होगी। ये दिखा दीजिए, दर्शन कर लीजिए दर्शकों, क्योंकि दुर्लभ दर्शन है। यहीं पर बोला ये जाता है कि
दर्शन मतलब वो होता है, कीर्तन भजन होती है चंदा लगा करके पूरे लोग, तब जा करके यहाँ पर जो है गांव में पानी भी बरसने लगता है, ये जान लीजिए दर्शकों। यहाँ पर काफ़ी लोग इस वक्त हैं और लोग हो भी क्यों ना, क्योंकि वाकया मामला ये पहली बार हुआ है पूरे प्रयागराज में, ये पहला मामला है जब नंदी जन्म लिए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, आपको दिखाएंगे अब किस तरह से दूध जो है बछड़े को पिलाते हैं, पका हुआ दूध नहीं पिलाएंगे जो है, कच्चा दूध पिलाना नहीं है ना, अभी पिलाएं नहीं पक्का मत पिलाइए, ये जान लीजिए। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख लीजिए एक बार और, देखिए स्क्रीन पर इसी तरह से दूध ये पी रहे हैं नंदी महाराज। और काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ भगवान है तो भगवान के लिए तो थोड़ा भक्त मेहनत करेगा ही, क्योंकि भगवान अगर आपके घर आए हैं तो इतना आसान नहीं है कि उनका इतनी आसानी से आदर सत्कार कर दे, हो ही नहीं सकता, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ही। आप क्या संदेश है लोगों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस वक्त लाखों दर्शक देख रहे हैं, लाखों दर्शकों को क्या संदेश है इस वक्त आप? अरे हम चाहते हैं और दर्शक देखने आए, दूर दूर से देखने आए और आए देखे, दर्शन करे, कहीं दर्शन करे और कुछ हमें अनुभव दें, देश विदेश के आ जाएं, देश विदेश के आए दर्शन करें भगवान के नंदी महाराज के। हम ये जान लीजिए, कहना है कि इनका दर्शन, नंदी महाराज का दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग, जो लोग भी देख रहे हैं, आइए कौसाम्बी के जो है कौन सा ब्लॉक लगता है ये, नवादा ब्लॉक के जलालपुर गांव में आइए, यमुना के किनारे जलालपुर भर्ती ना, यमुना जी के किनारे आइए और इनका दर्शन करिए, जो भी हो सके आपसे इनके लालन पालन के लिए आप दान जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।